रानीगंज में एक साथ तीन घरों में चोरी की घटना से सनसनी फैल गई। ईसीएल के दो आवासों और बांसड़ा ग्राम के भुईयापाड़ा के एक घर में चोरी की घटना घटी है। चोरों का दल उन तीनों घरों से नगद रुपए, गहने और एक्सरसाइज करने वाले डंबल समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस घटना की छानबीन शुरू कर दी है। रानीगंज थाने के आमरासोता पुलिस फाड़ी क्षेत्र के ईसीएल के दो आवासों और बांसड़ा ग्राम के भुईयापाड़ा के एक घर में चोरी की घटना घटी है। चोरी की घटना प्रकाश में आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पंचायत प्रधान को दी, जिसके बाद पुलिस चोरी की घटना की जाँच करने पहुँची। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ईसीएल के बांसड़ा कोलियरी के आवासीय क्षेत्र माझीपाड़ा निवासी ईसीएल कर्मी नरेश माझी पिछले रविवार को घर में ताला बंद कर गांव चले गए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। घर के भीतर घुसकर लोहे की अलमारी तोड़ दी और 35,000 रुपए नकद, कई चांदी के गहने और एक सोने की बाली लेकर फरार हो गए। इसके साथ ही स्थानीय निवासी मेहर बावरी के घर में भी चोरी हुई। घर के सामने के दरवाजे का ताला तोड़कर चोर घर के भीतर घुसे तथा बक्से को तोड़कर 10,000 से 12,000 रुपए लेकर फरार हो गए। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि कपड़ों के पीछे छिपाए गए कुछ सोने के आभूषण बच गए। गृहिणियों का दावा है कि ईश्वर की कृपा से उनके सोने के गहने और कीमती सामान बच गए, लेकिन उनका एकमात्र अफसोस ये है कि छोटे बच्चों की होमवर्क, नोटबुक और किताबें चोरों ने फाड़ दिए। वहीं भुईयापाड़ा नंबर 4 निवासी बेबीदास के घर के सदस्यों की अनुपस्थिति में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोर उनके घर से 3,000 से 4,000 रुपए और एक्सरसाइज करने वाला लोहे का डंबल लेकर भाग गए। चोरों द्वारा डंबल चोरी किए जाने की घटना सुनकर इलाके के लोग हैरत में पड़ गए। आमरासोता ग्राम पंचायत के प्रधान संजय हेमरम ने कहा कि चोर शायद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, इसलिए उन्होंने चोरी के सामान के साथ डंबल भी चुरा लिया। हालांकि इस घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए पुलिस प्रशासन से मांग है कि घटना की गहनता से जांच कर अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। सुबह में जब दरवाजा खोले देखा सब पूरा छीटा था सब सामान। रात में हम यहाँ अकेले रहते हैं, धमाके में तो नहीं सोते हैं, अपने भाभी के घर में सोते हैं। हाँ, रात में 10:30 बजे आए थे कपड़ा चेंज करने के लिए, उस टाइम सब ठीक था। तो फिर सुबह जब आए ना, मतलब सुबह 6 बजे तब देखे सब पूरा बिखरा था। রূপার চেন আর দুটো ব্রেসলেট ছিল, রূপুর ব্রেসলেট আর আমার হাতের বালা ছিল দুটো রূপুর, আর কানের ঝুমকো ছিল, আর এই কোমর কুশনি ছিল, আর রূপা ছিল, নূপুর ছিল, আর নূপুর ছিল তিনটা রূপরে, আর বাচ্চার দুটা পলা ছিল, আর গলার ইয়া ছিল কোমরে, খালি সোনার ঝুমকো ছিল, আর খালি না মানে ফয়ের কোমর কো বড়াইছি হ কাগজ কো বন অন্দব কাকু ছুটে संजय भंडारी के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्टाइल होम फर्नीचर, फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर, बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में, अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।